हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत पराशर और ग्लिटर इन्फोटेक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं पोंगो की एक मोशन सेंसर एलईडी ट्यूबलाइट। ये पोंगो टेक्नोलॉजीज की एक मोशन सेंसर एलईडी ट्यूबलाइट है। मोशन होने पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और मोशन नहीं होने पे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। ये ट्यूबलाइट 90% तक एनर्जी को सेव करती है। ये इको फ्रेंडली है, इसकी लॉन्ग लाइफ है, ये सीई सर्टिफाइड है, इस पे पूरे 2 साल की वारंटी मिलती है और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो बताऊंगा इस वीडियो में इसके बारे में, करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स इन्फोटेक के साथ। तो ये है क्रिटेल पैकिंग इस पोंगो टेक्नोलॉजीज की तरफ से आने वाली एक मोशन सेंसर एलईडी ट्यूबलाइट की, और एक काफी सुंदर काफी कलरफुल पैकिंग है। इस पैकेट के अंदर जो ट्यूबलाइट है उसके अंदर वाइड वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ये 160 से लेके 360 वोल्ट तक काम करती है और इसके अंदर 2 किलोवाट का सर्ज प्रोटेक्शन है। 15,000 घंटे तक की इसकी लाइफ है और पूरे 2 साल की वारंटी मिलती है इसके ऊपर। इसकी इवन और कंफर्टेबल लाइट है, इसके अंदर ग्लेयर रिडक्शन है और इसके अंदर कोई भी फ्लिकरिंग नजर नहीं आती, जिसकी वजह से आंखों पे कोई भी स्ट्रेन नहीं पड़ता। ये लाइट ऑटो ऑफ है, 10 वाट की है और इसकी 900 लुमेन है। इस एलईडी ट्यूबलाइट का काफी स्लीक डिजाइन है और वाइडर लाइटनिंग एरिया है। ये एलईडी ट्यूबलाइट स्मार्ट होम्स के लिए स्पेशली डिजाइन करी गई है। ये इको फ्रेंडली है, इसकी लॉन्ग लाइफ है, ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और 90% तक एनर्जी को सेव करती है। इस बॉक्स के अंदर ये 2 क्लिप्स मिलती हैं इस ट्यूबलाइट को दीवार पे टांगने के लिए, और इस बॉक्स के अंदर मिलती है ट्यूबलाइट। ये पोंगो टेक्नोलॉजीज की मोशन सेंसर ट्यूबलाइट है। और सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो कंप्लीटली प्लास्टिक की बनी हुई है। इसके आगे पीछे साइड में हर जगह प्लास्टिक का यूज किया गया है। इसकी बैक साइड में व्हाइट कलर की ओपेक प्लास्टिक है और इसके फ्रंट में आगे की तरफ ये ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक है। इसी ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक के अंदर से एलईडी लाइट निकलती है और वो इवनली स्कैटर होती है और बिल्कुल भी फ्लिकर नहीं करती। और इसका डिजाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेडी है और काफी ज्यादा प्रीमियम लुकिंग है। इसकी एक तरफ पोंगो की ब्रांडिंग है और दूसरी तरफ वायर निकल रही है इसको कनेक्ट करने के लिए। ये एक 10 वाट की ट्यूबलाइट है। अगर इसके आगे कोई भी मोशन होता है तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और अगर इसके आगे कोई भी मोशन नहीं होता तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, और इस तरीके से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करती है। इस लाइट को किसी भी कॉमन एरिया में लगाया जा सकता है, जैसे कि किचन में, वार्डरूम में, लॉबी में, बाथरूम में, कोई भी ऐसा एरिया है जहां पे कभी कभी किसी का आना जाना होता है वहां पे इस लाइट को लगाया जा सकता है, ताकि जब भी कोई मूवमेंट हो, कोई आए तभी ये लाइट जले, और जब इसके आगे कोई भी मोमेंट नहीं हो तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो अब एक बार इस लाइट को ऑन करके आपको इसका एक डेमो देता हूं। तो ये जो लाइट है इसके कनेक्शंस मैंने कर दिए हैं और कनेक्शन इसके काफी ज्यादा आसान है। जो वायर निकल रही थी उसी में न्यूट्रल और फेज अटैच करना है। और इस लाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कनेक्शंस उल्टे कर देंगे तो भी ये लाइट चलेगी। तो न्यूट्रल कहीं भी लग जाए, फेज कहीं भी लग जाए, लाइट इतनी स्मार्ट है कि ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेती है और ये लाइट ऑन भी हो जाती है और वर्क भी करती है। तो इस लाइट को लगाने के लिए कोई स्पेशल टेक्नीशियन या फिर इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद भी इसको अपने आप घर में लगा सकते हैं। अब एक बार इस लाइट को ऑन करता हूं और चेक करते हैं इसकी ब्राइटनेस। तो ये लाइट मैंने ऑन कर दी है और इस लाइट की जो ब्राइटनेस है वो इतनी है जितनी एक 10 वाट की लाइट में होनी चाहिए। तो इसकी ब्राइटनेस से कोई भी शिकायत नहीं है। तो अब इसके आगे एक बारी बिना कोई मोशन करे चेक करते हैं कि लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ होती है या नहीं होती। और ये 20 सेकंड के अंदर लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई है। अब इसके आगे मोशन करके चेक करता हूं कि लाइट ऑन होती है या नहीं होती। तो जैसे ही मैंने अपना हाथ वेव करा है लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। तो जैसा कंपनी क्लेम कर रही है वैसा लाइट काम कर रही है और सिर्फ 20 सेकंड के अंदर ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है और उसके बाद मोशन होने पे ऑटोमेटिकली इमीडिएटली ऑन हो जाती है। और इस लाइट के अंदर कोई भी फ्लिकरिंग नज़र नहीं आ रही और ये लाइट के अंदर ग्लेयर रिडक्शन है, तो ये लाइट जो है आंखों को स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं देती और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। और इसकी ब्राइटनेस तो मैंने आपको पहले बताई दी है कि जितनी एक 10 वाट की लाइट के अंदर होनी चाहिए उतनी इसके अंदर है, और कंपनी क्लेम कर रही है कि जो लाइट है इसकी जो ल्यूमिनेंस है वो 900 ल्यूमिन की है। तो ये लाइट मोशन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझती है
और मोशन होने पे ऑटोमेटिकली ऑन रहती है और मोशन नहीं होने पे कुछ ही सेकंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाती है। ये इको फ्रेंडली है, इसकी लॉन्ग लाइफ है, इसका काफी ज्यादा स्लीक डिजाइन है और ये लाइट काफी वाइडर एरिया को कवर करती है। ये लाइट 160 से लेके 360 वोल्ट तक काम करती है, तो ये लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज पे दोनों पे ही इक्वली परफॉर्म करती है और इसको यूज करने के लिए अलग से कोई भी स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर 2 KV तक की सर्ज प्रोटेक्शन है, इसके अंदर ग्लेयर काफी ज्यादा कम है और इसके अंदर फ्लिकरिंग भी दिखने को नहीं मिलती, तो ये आंखों के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहती है और आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ने देती। तो इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी ये लाइट सिर्फ 650 रुपए की आपको मिलती है और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये जो लाइट है ये अभी सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में मिल रही है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो इसको परचेज करने के लिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, जहां पे कॉन्टैक्ट करके आप इस लाइट को परचेज कर सकते हैं। तो ये थी पोंगो टेक्नोलॉजीज की इस मोशन सेंसर ट्यूबलाइट की एक वीडियो और मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बनाता रहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियोस रेगुलर देखना तो YouTube के ऊपर ग्लिट एंड फंक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबाएं ताकि मेरी बनाई वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिलें आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन या नई गैजेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।